राम राम जी भाई भाई मैं आपका अपना राजा गुजर भैया। गर्मी घनी पड़ रही है यार भाई, वीडियो देखो फिर करते हैं बात। संभाला गया, उसके बाद देखिए उन्हें पानी पिलाया गया, बच्चे परेशान हो रहे थे, रो रहे थे। भैया गर्मी बहुत ज्यादा भयंकर हो रही है, बिहार की या दिल्ली की या कहीं ऐसी जगह की बात ना हो, पूरे हिंदुस्तान में सब जगह गर्मी पड़ रही है सबसे ज्यादा। ठीक है भाई, यहाँ टाइम पे बहुत लोग बीमार हो रहे हैं, बच्चे ज्यादा बीमार हो रहे हैं भाई। स्कूलन में कुछ भी ना हो तो भाई हर क्लास में एक कूलर भाई होना चाहिए, ताकि कम से कम थोड़ी बहुत राहत बच्चे ने मिलती रहनी चाहिए। कि भाई पढ़ना भी जरूरी है, स्कूल जाना भी जरूरी है, अगर छुट्टी कर दे तो भाई उनको भी थोड़ा सिस्टम खराब हो जावे। तो भाई स्कूल वाले ने, तो भाई मैं यह चीज जरूर कहना चाहूंगा भाई, हर क्लास में भाई कूलर तो देखो होना ही चाहिए, हर क्लास में होना चाहिए भाई। कम से कम थोड़ी बहुत राहत मिल जाए बच्चे ने, क्योंकि भाई पढ़ना भी जरूरी है और बच्चे जाएंगे भी, और अब तो गर्मी इनकी छुट्टी पड़ेगी जो है। पर बाकी फिर भी गर्मी तो देखो भाई रहती है, एक आध महीनों की गर्मी ना रहती तो 6-7 महीनों की गर्मी रहे। ठीक है भाई, तो भाई स्कूल वाले ने, तो भाई मैं यह चीज जरूर कहना चाहूंगा भाई, स्कूलों में सब जगह एक एक क्लास में एक एक कूलर भाई, बड़े बड़े वाले जो बड़ी क्लास हो भाई, बड़े बड़े कूलर होने चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। प्रिंसिपल कोई वैसे मैडम उनके तो कमरे में एसी लगे रहे, आप सभी पता हो, उन्हें तो अपना जावे आराम से बैठे हुए मैडम जो है प्रिंसिपल रहे में, उनको कमरे में एसी रहे ऑफिसन में भाई, बच्चे इनके क्लास में सिर्फ पंखा चलते रहे और न रहता कुछ भी। ठीक है भैया, तो भाई सरकारी स्कूल हो प्राइवेट स्कूल हो कोई सो भी स्कूल हो, तो भाई हर क्लास में भाई कूलर तो जरूर होने चाहिए। राम राम जी।